इक्वल टू कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा ए पावर फाइव। कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बताया कि शायद इसमें जीरो से थीटा पाई बाई 24 है, ऐसी बहुत सारी चीजें थी क्वेश्चन में, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अगर नहीं होता ये तो अगर मैं जीरो मान लेता तो 1001 मिलता, तो ए पावर फाइव भी यही होता क्यों बेटा? और अगर मैं उस लॉजिक से देखता तो ये ए माइनस डी स्क्वायर, तो ये आंसर तो गलत हो जाता। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू वन नहीं होती तो ये भी गलत हो जाता। कुछ गड़बड़ थी इस क्वेश्चन में मुझे याद है। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वन माइनस वन जीरो, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वन हो सकता था अगर इस लॉजिक से चले तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी ये भी मैं बता रहा हूं क्योंकि डाउटफुल है, पर करना क्या, ये एक तरीका हुआ कि आपने वैल्यू ले ली, एक आध वैल्यू और बदल सकते हैं। पर अगर थीटा ये दिया है तो आपको करना ये था इसमें लॉजिकली कि ए स्क्वायर निकाल के ही कंक्लूजन दे पाते, कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बोलो क्या होता, इसका इसके साथ करते तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे अत्ते में ही समझ में। अब देखो इसका इसके साथ करते, आयोटा के साथ आता कितना, मतलब ये आ जाता ऐसा टू आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब हम ऐसा बोल सकते थे कि ए पावर फाइव जो है वो मिलता आपको, मैं बताता हूं, कॉस फाइव थीटा आयोटा साइन फाइव थीटा, आयोटा साइन फाइव थीटा आयोटा कॉस फाइव थीटा। फिर वो आप वो कंपेयर करते हैं उसका कि किसके इक्वल आता, वो थीटा भी ऐसा दिया हुआ था जीरो से पाई बाई 24 के बीच में अगर दिया होता तो ये सॉरी आयोटा गलत लिख दिया, ऐसा हो सकता था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप करते तो ये ऐसा आता बेटा, कॉस अगर मान लो ये करेक्ट होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस की पावर कॉस, हाँ ये करेक्ट हो जाता बेटा, पूछो कैसे, ये होता कॉस स्क्वायर फाइव थीटा और माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर फाइव थीटा, तो ये वन हो सकता था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ए सी नहीं होता क्योंकि वो सेम हो जाता, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर भी नहीं होता, जीरो नहीं होता, ये करेक्ट है, तो ये हो सकता था राइट।